come true, but thank you so much. How sweet of you. Can you please give me some cash? No, actually no. Actually, it's an award. I think I'm selling it. Sorry, it's my fault. We're gifting them, Imarti. I know. मैंने कहा ना मैं हाथापाई पे उतराऊंगा आपसे. ये अवार्ड आपको जाता है. जोरदार तालियां नीति मोहन के लिए. मिकी मार्टिन जी, ये अवार्ड लीजिए आप. गाड़ी में रखवा दीजिए मैडम का. ये नारियल छील के इसमें पाइप डाल दीजिएगा. तो इतना ये जो आपको खुशी का मौका है आज, तो हम आपसे बधाई नहीं मांग रहे, लेकिन ये है कि आप एक गाना तो जरूर गा के जाए हमारे दर्शकों के लिए. प्लीज जोरदार तालियां नीति मोहन के लिए बन सके. क्या बात है जी, क्या बात. बड़ी खुशी होती है कि इंटरनेशनल स्टार्स के होने के बावजूद हमारे जो है सिंगर्स हमारे देश के, वो अवार्ड जीत के लेके जा रहे हैं. हमारे संगीत के लिए जोरदार तालियां. ये अभी आने वाले देखना, ऑस्कर भी हम ही करवाएंगे. इमरती देवी ऑस्कर. इमरती देवी का ही ऑस्कर कराएंगे. Thank you so much. I think 3 cheers for Comedy Nights with Kapil. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hooray. Thank you. It was really, really bahut maza aaya. Thank you, Niti. Thank you so much. I hope 30th Imarti Devi Award bhi aap hi ko milega. Thank you so much. Wow. Bye. Sorry, ye ke kya aapne? 5 saal se aapke yahan naukri kar raha hu main. तनख्वाह नहीं देनी, कम से कम अवार्ड ही दे देते. कौन है मिक्की मार्टिन को क्या हो गया? ये जब से हिंदी सीखने का शौक चढ़ा ना, तो प्रैक्टिस करने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं. कल तो मेरे को कह रहे थे पोछे नहीं लेके दो, जीभ से चार चार के फर्श साफ करने में घंटों लग जाते हैं. अब आपका दम नहीं घुट रहा, जाइए जाके पैंट चेंज कीजिए प्लीज. और करो ना आप भी जाइए जाइए. फटा मुक करे बिट्टू, गेट लॉस्ट. तो भाई और बहनों, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, और उसमें नॉमिनी है बेबी डॉल टीम. तो जोरदार ताले स्वागत कीजिए कनिका मीत ब्रदर्स और अंजन. एक बार जोरदार तालियां बेबी डॉल के लिए. जी, बेबी डॉल का अंदाज सबको भा गया है. एक नशा सा है जो महफिल पे छा गया है. यकीन ही नहीं होता गुरु कि चांद उतर के खुद जमीन पे आ गया है. मेरा तो इंट्रोडक्शन कराओ. एक्चुअली ये अवार्ड मैंने ही करवाया. इन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर किया है हमारा अवार्ड फंक्शन. 50 लाख जी, वो जरूरी नहीं होता बताना कितना, उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है हमारा. अच्छा छोड़ो, एक्चुअली बेबी डॉल सुन के ना मैं कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी दादी को. हाँ. ये सुनने के लिए हमें पैसे नहीं मिलेंगे. नहीं नहीं, आपको पैसे नहीं, हम सीधा इनको जेल करवाएंगे. पर ये इमरती देवी की सगी पोती हैं, तो ये सारा खर्चा कर रही, तो इसलिए हम लोग इनको बड़े प्यार से बर्दाश्त करेंगे. लेकिन अवार्ड जीतना इतना आसान नहीं, आफ्टर ऑल इट्स इमरती देवी अवार्ड. जी ये बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज नॉमिनेशन जो है बड़े ही खतरनाक स्टार जो है आपकी कैटेगरी में जो है वो कॉम्पिटिटर है आपके. सो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इंटरनेशनल स्टार लकीरा का. वो जोरदार तालियां सुपरस्टार लकीरा के लिए. लकीरा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस अवार्ड में नॉमिनी बनके कैसा लग रहा है? देखिए शर्मा जी, मुझे कभी कुछ नहीं लगता है. जो लोग मुझे टकराते हैं ना, लगता उन्हें. कपिल जी, जी मैंने लकीरा को बहुत करीब से देखा है जी, और ये कहीं दूर दूर तक नीचे से लेके ऊपर तक कहीं लकीरा नहीं लग रही है. हाँ. यही है लकीरा. आप कहीं से आप चेक करवा लीजिए, ISI मार्क भी है. No, hips don't lie. इसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता. बिल्कुल नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं कह सकता. आगे दूर से एक्चुअली थोड़ा असली इफेक्ट आता है. ये आपने सुना होगा दूर के ढोल सुहावने, तो ये दूर का ही ढोल है.
ये बेबी डॉल, ये बेबी ढोल। नहीं लेकिन एक्चुअली मुझे भी कुछ थोड़ी बदली बदली सी लग रही है, मतलब ऐसे पूरा मतलब ऐसे हो गया है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने 50 लाख देके ना हमारा दिमाग का दही कर दिया हुआ आपने। बात बात में, वो ये नहीं लगता, वो ये नहीं लगता, लकीरा बदली लग रही है। अरे सरकार बदल गई, अगर थोड़ी सी लकीरा बदल गई तो क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है ठीक है, आप अवार्ड दे रहे थे, हां अनाउंस करो किसको मिला अवार्ड। या कम ऑन अनाउंस द विनर। सो हमारे इमरती देवी अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है बेबी डॉल ग्रुप को। जोरदार तालियां। आ जाइए एक एक करके, ये सारे पास कर दो। सो आप में से कोई भी चाहे तो थैंक यू स्पीच दे सकता है। पाजी हम स्पीच नहीं देंगे, हम अपने स्टाइल में थैंक यू बोलेंगे। इतना बड़ा अवार्ड आपने हमको दिया है, और क्या 50 लाख का अवार्ड है पाजी, बनता है ना। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां मीत प्रदर्श अंजन और कनिका के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, पता मैं कितनी खुश हूँ, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए, मेरी नानी ऊपर बैठ के बहुत खुश हो रही होगी। इससे पहले कि आपकी नानी और ज्यादा खुश हो गए, वापस नीचे आ जाए, आप मेरी पेमेंट कर दीजिए मैडम। हाँ एक मिनट जी, ये लो चेक। थैंक यू सो मच। ये 51 लाख, एक लाख रुपए ज्यादा। हाँ। क्या बात है, आपकी नानी मेरे ख्याल से आपके लिए काफी कुछ छोड़ के गई है। हमारी दादी तो हमारे लिए गैस के अलावा कुछ छोड़ती नहीं है। एक मिनट, ये चेक पे नाम गलत लिखा है शायद, ये बाबुल करके चैरिटेबल। हाँ यही तो नाम है मेरे नाना जी का। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे नानी जाने से पहले कह के गई थी कि कोई भी अवार्ड फंक्शन कराओ उनके नाम पे तो सारे की सारी पेमेंट इस चैरिटी को जाएगी। ये तेरी नानी का नारियल पानी। कहते हैं कि सच्चे दिल से याद करो ना तो ऊपर वाला भी आपकी सुन लेता है पक्का, लेकिन कुछ लोग भगवान ने गला ही ऐसा दिया कि इतना ऊंचा गा लेते हैं ऊपर वाले को वैसे सुना देते हैं अपनी आवाज। तो आज जो हमारी महफिल में आ रहे हैं वो भी एक ऐसे सिंगर हैं, मैं उनको अक्सर शेर सिंगर कह के बुलाता हूँ। हाँ। शेर सिंगर, जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए मिस्टर सुखविंदर सिंह का। सुखी भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सच में पाजी मैं आपको बता रहा था ना पहले कि ऊपर वाले तक बात पहुंचा देते हैं। हाँ। क्योंकि पाजी ये सच्चाई है पाजी, कभी कभी इनकी फ्लाइट लेट हो रही हो ना तो नीचे से पायलट को आवाज देते हैं, इतना भगवान ने दिया है पाजी। ये कैसे मतलब इतनी बुलंद आवाज कैसे किसी की हो सकती है। मैं इतना सा था, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी में गाने के लिए ले गए, मैंने कपिल बच्चा छोटा सा जी। मैंने आलाप लिया मेरे पे फूलों की बरखा। अच्छा तेरे दी फूल तो फूल तेरी हार। अच्छा मैंने एक और आलाप लिया जबरदस्त सलाब और मतलब अभी तो बाढ़ आ गई फूलों की। इतने में अचानक एक हाथ आया, मेरा कॉलर घसीट के मेरे को ले गया कि चलो वो जो फूलों की बरखा हो रही थी वो मंत्री जी आ गए थे एक्चुअली। मैंने सोचा ये अप्रिसिएशन मेरे लिए है, और बड़ी बेदर्दी से मेरे को घसीट के लिया, क्योंकि एक बार मैंने अपने आप को रोका कि मेरे को तीसरा अलाप भी लेना है। अच्छा। फिर उसने कॉलर के साथ बालों का भी इस्तेमाल किया। तो ये बुलंदगी का पहला तोहफा ये था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुखी पाजी ने गाने में आके सिर्फ अपना ही नाम नहीं रोशन किया बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन किया है, बिकॉज जय हो सॉन्ग को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो गाना सुखी पाजी ने गाया। पाजी आपको बहुत मुबारक पहले तो उसके लिए भी। ढेर सारी बातें करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, इनके गाने भी सुनेंगे। पाजी विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं।
आसफा जी, मेरे दिमाग में चीज है कि जैसे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि कोई किसी से इंस्पायर्ड है, कोई किसी से इंस्पायर्ड है, तो उनकी झलक नजर भी आती है आप जिससे इंस्पायर्ड होते हो। आपकी आवाज एकदम अलग है, तो हम क्या समझे कि आप किसी से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, मतलब फिर भी आप किसी को तो आइडियल मानते हो कि यार मैंने इनका गाना सुना तो मुझे बड़ा यू नो टच किया, तो मैं इनके जैसा बनना है या ऐसा कुछ। हालांकि आपकी एक अलग पहचान है, पर फिर भी। वैसे मैंने एक्चुअली में बचपन में लता जी को सुना जी। लता जी को किसी ने लाल जोड़े में देखा आज तक? नहीं, मेरे मैंने देखा, मेरे अच्छा? सपनों में आती थी हमेशा। अरे वाह। और मैं रेंगता हुआ जैसे छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, और मेरी उंगली पकड़ के वो कहती थी मैं लता। ये लता जी को भी बात मालूम नहीं। अच्छा, पर अभी पता चल गई उनको, उन्होंने हाँ। देख लिया होगा। कपिल, ये आपका शो और आप, मतलब ऐसा वरदान है कि मैंने जो बात कहीं शेयर नहीं की मैंने आज यहाँ बताई है। इसमें इसके लिए मैं अपने तय दिल से आपके शो को और आपको दुआ देता। थैंक यू सो मच सुखी पाजी। जैसे सुखी पाजी ने कहा कि लता जी इनके सपने में आते थे, लता जी एक ऐसी हस्ती हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि माँ सरस्वती को हमने वैसे नहीं देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता है लता जी को। लता जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं।